जिस दिन बच्चे की जेब से फजूल चीज़ों के बजाय पैसे बरामद हो तो समझ लेना चाहिए कि अब उसे बेफिक्री की नींद कभी नसीब नहीं होगी। हमारे ज़माने में तरबूज इस तरह खरीदा जाता था जैसे आजकल शादी की जाती है, महज सूरत देखकर। आदमी शादी करता है तो उसे पता चलता है कि असल खुशी क्या है। ये अलग बात है कि तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप सर के बल खड़े होकर देखें तो कराची की हर चीज़ सीधी नज़र आएगी। कुछ लोग इतने भयानक कंवारे होते हैं कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है। जब चमड़े की झोंपड़ी में आग लग रही हो तो क्या गर्मी क्या सर्दी। किसी इंसान को हकारत से नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि हमने देखा कि जिस किसी को हमने हकीर समझा वो फौरन तरक्की कर गया। मुझे औरत के दोगलेपन की उस वक़्त समझ आई जब मुझे ये पता चला कि वो इंजेक्शन लगवाने से तो डरती है लेकिन हनीमून पर जाने से नहीं। सुबह उस वक्त नहीं होती जब सूरज निकलता है, सुबह उस वक्त होती है जब आदमी जाग उठे। मर्द की जात के बारे में कब्र सी कहावत है कि जब तक लूमड़ के मुंह में एक भी दांत है वो पारसा नहीं रह सकता। हमारे यहाँ 99% लोग एक दूसरे को मशवरे के अलावा और दे भी क्या सकते हैं। वाशिंग बेसन में घोरे और मेमे जिस तरह हाथ मुंह धोते हैं उसमें वजू करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। दुनिया में गाइबत से ज्यादा हजम कोई चीज नहीं होती।